आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी कहीं भी सातों दिन 24 घंटे छोटे से छोटा लेन देन भी डिजिटली कर पा रहा है। कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। साथियों, भारत के बैंकों का सामर्थ्य, देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ाएं, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि रेहड़ी ठेले फेरी पटरी वालों को भी, स्ट्रीट वेंडर्स को भी बैंक से ऋण मिल सकता है? न उसने कभी सोचा, न हम भी सोच सकते हैं। लेकिन आज मुझे बड़े संतोष के साथ कहना है, आज ऐसे लोगों को स्वनिधि योजना से ऋण भी मिल रहा है और वो अपने व्यापार को भी बढ़ा रहे हैं। आज जब मुद्रा योजना देश के उन क्षेत्रों, उन परिवारों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे यहां छोटी जमीन वाले किसान, और हमारे देश में 85% किसान छोटे किसान है, बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उनके पास। इतने बैंकों के होते हुए भी हमारा छोटा किसान बाजार से, किसी तीसरे से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा और इसका दायरा पशुपालक और मछुआरों तक हमने बढ़ा दिया है। आज बैंकों से मिला लाखों करोड़ रुपए का आसान और सस्ता ऋण इन साथियों का जीवन आसान बना रहा है। साथियों, अधिक से अधिक देशवासियों को बैंकों से जोड़ना हो, बैंक लोन आसानी से सुलभ कराना हो, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स का तेजी से विस्तार करना हो, ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। मैं बैंक के हर छोटे मोटे साथी को बधाई देता हूं इस काम के लिए कि संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों को असहाय नहीं छोड़ा। जब दुनिया के समर्थ देश अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज गति से देश के करीब करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई। देश के बैंकिंग सेक्टर में जो सामर्थ्य बीते सालों में हमने विकसित किया है, उसी आत्मविश्वास के कारण देशवासियों का जीवन बचाने के लिए सरकार बड़े फैसले ले पाई। आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरी तो है ही, लेकिन भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत हम सब देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है तो हमारी बहनों को हुआ है, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को हुआ।